आ, क्योंकि अक्सरकत मेरा जो काम होता है मैं टीनेजर्स के साथ कर रही होती हूँ या उनके माँ बाप के साथ और बेसिकली फैमिलीज जो हैं उनके आपस में क्या बॉन्डिंग है उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है उनके आपस में क्या डायनामिक्स हैं उनको डील काफी ज्यादा मेरा जो आ, काम है उससे उसके इर्द कर रहा होता है तो एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पूछते हैं वो है कि मैं अपने टीनेजर के साथ करीब कैसे और हो सकता हूँ मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की मुझे पता है कि मेरा चाइल्डहुड इस बच्चे का जो था उस वक्त में अवेलेबल नहीं थी या अवेलेबल नहीं था और हमने वो अटेंशन नहीं दी उसको प्यार नहीं दिया या जो भी सर्कमस्टांसिज उस वक्त थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे बट ना वी सी कि उसके असरात क्या हैं तो अब वेयर शुड बी स्टार्ट एक चीज़ तो मैंने हमेशा बात की है और मैं बड़ा इस पर फोकस करती हूँ कि बच्चे से अपोलोजाइज करना चाहिए uh, लेकिन वो दार जहाज़ पर सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाई है उसको आप देख सकते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली कोई भी कोई भी चीज़ अगर आपने फिक्स करनी है पहली फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर इट क्योंकि जब तक हम उसके लिए अकाउंटेबल uh, किसी को फील नहीं कराते कि हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि यस आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और मैं कुछ और कर सकता था वच आई डू इट्स माई डिसीजन दैट मेड रॉन्गली एंड आई टेक अकाउंटेबिलिटी and एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट तब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती तो दूसरी चीज़ जो बहुत ज्यादा मेरी एक रिकमेंडेशन है सारे पेरेंट्स को मैं कहती भी हूँ इन पर्सन भी जब भी मेरी बात हुई है मैं बहुत ज्यादा मैं चाहूँगी ज्यादा से ज्यादा जो देखते हैं वीडियोज उनको भी ये बात पता चले। बेश आपका बच्चा भी टीन एजर्स टीन एजर नहीं है मतलब टीन एज में एंटर नहीं हुआ यू कैन बी टेन बट एज लॉन्ग एज एट दी एज जिसमें वो थोड़ा मिचोड़ ली और कॉगनटिवली चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू हो गया है और प्रोसेस करना शुरू हो गया आई थिंक यू कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हम और इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि जब आप ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं द कानवर्सेशन दू नीड टू हैव एंड द्री क्वेश्चन जो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत ऑफ डायर इम्पॉर्टेंस हैं बहुत क्रिटिकल हैं फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बॉन्डिंग जर्नी अपने बच्चे के साथ वो जो आपने फिक्सिंग करनी है और बॉन्डिंग जर्नी स्टार्ट ऑफ करनी है उसके लिए उसका जरा प्री रेक यह है कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक दो घंटे उस बच्चे के साथ अकेले हैं एंड आई वुड से कि दूसरा स्पाउस भी साथ ना हो सो इफ फिर मदर तो फादर ना हो बच्चे का अगर आप फादर हैं तो मदर ना हो बच्चे की ताकि वो बड़ा प्राइवेट सा वन ऑन वन सेशन आप कर सके पहली चीज दूसरी बात कोई डिस्ट्रैक्शन ना सो इफ यू आपके छोटे बच्चे हैं जो बीच में आ, आते रहेंगे आप थोड़ी देर दूसरे स्पाउस को कहेंगे के, इनको लेकर चले जाएं प्लीज या साइड पे हो जाएं या किसी को हैंड ओवर कर दें कि दो घंटे वन एंड हाफ आवर टू टू आवर्स आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे और आप फोकस कर सकें क्योंकि इस्पेली जब आप एक इमोशनल चीज़ को अनड्रावल करना शुरू करते हैं और डिकअप करना शुरू करते हैं उसको जब तक क्लोजर नहीं मिलता वो बहुत पेनफुल होने लग जाता है तो अगर बच्चा जो है वो इमीडिएटली तो ओपन होएगा नहीं अगर आपके सवाल पूछते हैं वो धुख करके जवाब नहीं देगा सोट यू विल टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट वायद इमीडियटली तो ये कह नहीं 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 कोई मसला ही नहीं इशू ही नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो आपको उसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा बट वेन ही स्टार्ट ओपन Especially introverts के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि जब एक इंसान खुलना शुरू होता है तब आप एक दम से oh, वॉशरूम जाना है ही जाएगा आपका रिलेशनशिप ना इंप्रूवमेंट है तो मेक श्योर sure आप जब वो शुरू करते हैं टॉपिक उसको क्लोजर तक पहुंचाने के लिए आपके पास कोई डिस्ट्रेक्शन ना आपके पास एम्पल टाइम हो और आपकी फुल अटेंशन जो है बच्चे की तरफ हो पहले तो ये चीज़ अपने जहन में कर लें अच्छा दूसरा जब आप जब भी आपने ये शुरू करना है तो यू शुड मेक श्योर दैट ऑल थिंग्स विल हैपन अच्छा दूसरी चीज़ अब आपने जब बात करनी शुरू करनी है तीन सवाल आपने पूछने हैं उससे एंड देन आपने उसको एक बड़ा एक कंफर्ट जोन देना है आप एंक्श हो नहीं जाना कि आप साथ घबरा रही हैं या घबरा रहे हैं या गुस्से में नजर आ रहे हैं एंड यूर सेंगे हाँ कोई मसला है तुम्हें कोई मसला है मेरे से अपनी टोन को अपोलोजेटिक होके अपनी टोन को पैसिव होके हल्की धीमे तरीके से आपने बात करनी शुरू करनी है जिसमें एक शख्स एक दूसरे के पास जाता है जिसके साथ जुल किया गया है जिसके साथ ज्यादा की गई है तो जो कोर uh, बिलीफ है जो ये बिहेवियर को रूल कर रहा होगा वो होगा कि आई वॉज एट फॉल्ट भाई मैंने गलती की है इस बच्चे की कोई गलती नहीं है बच्चा इज अ रियक्टेड उसने रिएक्ट किया है टू वट एवर आई डिड और अब अगर वो मुझे लगता है कि मेरे से दूर हो गया तो उसमें हंड्रेड परसेंट नहीं तो चलो सेवेंटी फाइव परसेंट मेरी गलती है तो अभी मैंने उसको नहीं ब्लेम करना फॉर एनी मैंने नहीं कह अब तो तुमने भी तो वो किया था ना उस वक्त मेरे साथ दैट विल डिस्ट्रॉय द वो खराब हो जाएगा सारा कुछ तो उस वक्त आपने ये नहीं करना डिफेंसिव नहीं हो जाना एग्रेसिव नहीं हो जाना आपने उसको जो कहना है उसने कहने देना बेशक उस वक्त आपको बातें बुरी लग रही हों या हर्टफुल हो लेकिन आपने वो पी जाना ना कि आप उसको उस वक्त रोकें और उसको अगेन एक शटअप कॉल दी जाए कि वो आगे से कभी आपके साथ ओपन ही ना हो अगर हो रहा है तो प्लीज उसको होने दें ठीक ठीक तो तीन सवाल क्या हैं जो कि आपको अपने बच्चे के साथ टीन एज लाइक आई एट टेन प्लस पूछने चाहिए अब आपके पास ये टाइम है आप उसके साथ बैठे हुए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क स्टार्ट ऑफ ऑन गुड नोट एंड एन ईजियर क्वेश्चन आसान सवाल है ये होपफुली वो आसानी से जवाब भी दे देंगे वट आर द बेस्ट टाइम्स या द बेस्ट टाइम जो आपका मेरे साथ है तो हमारे रिलेशनशिप में कौन से आपको वक्त याद आते हैं मेमरीज कौन सी हैं जो आपको सबसे ज्यादा हम आपस में हम दोनों जिसमें इकट्ठे थे और हमारा आपस में कोई बात थी या बॉन्डिंग थी या कोई मेमोरी है जो सबसे पहले आपके जहन में आती है और जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पेक्ट है आप पे तो जहाँ में प्रेजेंट थी या था और आई आई वॉज अ गुड पेरेंट तो वो आपको कौन सी चीजें ऐसे याद आती हैं तो वो एक बड़े अच्छे नोट पे ज़रा लाइट से नोट पे बात शुरू हो सकती है और इजियर टू आंसर क्वेश्चन है जिससे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होएगा होपफली उसको ये नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या बात होने लगी है और वो डर नहीं जाएगा और थोड़ी तो सी वो बात ऐसे कर लेगा हो सकता है उसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दें कि हाँ मुझे भी ये याद है हमारा वो मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बड़ा मजा आया था उसमें तो आप इस तरीके से आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते अच्छा दूसरी चीज़ ना दिस इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्ट एंड आंसर अब ये सवाल जो है पूछना भी मुश्किल लगेगा आपके लिए और सवाल का जवाब सुनना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो वो वक्त जिसमें वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप होएंगे उधर और आप नहीं थे इट कैन बी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस जैसे स्कूल्स की होती हैं इट कैन बी एन अवॉर्ड सेरेमनी कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो सकता है जिसमें उसने पार्टेक किया और पेरेंट्स का उसमें होना था और आप लेट हुए Uh, कुछ भी हो सकता है कोई रिजल्ट था जिसमें उसके बहुत अच्छा है यू आउट ऑफ टाउन अपने काम की वजह से कुछ भी हो सकता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जो आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा था और आप वहाँ नहीं थे तो वट आर द मोमेंट्स वेयर यू वॉन्टिड मी देर और आई वॉज ठीक है तो ये दूसरा सवाल आपका हो गया अब तीसरा जो है अब ये आपको पता चल गया कि अच्छा टाइम कौन सा था अब आपको पता चल गया कि कौन से टाइम पे आपने यू प्रोबली डन समथिंग रॉन्ग इसी को आप बिल्डअप करके ये पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइम आपके जहन में आता है वेर आइव हर्ट यू जहाँ मैंने कोई ऐसी चीज़ की है जो आपके लिए पेनफुल थी जो आपकी या मेरे से आपको गुस्सा है किसी चीज़ पर इसको ही बिल्डअप करके ये सेकेंड क्वेश्चन की ही एक एलाब्रेशन पार्ट टू आप समझ ले होएगा कि कौन सा टाइम है ऐसा जिसमें आप हर्ट हुए मेरी वजह से, से या आप गुस्सा है मेरे ऊपर जिसकी वजह से या आप पेन में थे और मैंने इसको एक्नॉलेज किया या नोटिस किया तो वही कॉन्वर्सेशन जो है उसको इस पर बिल्डअप ही हो सकती है और आखिरी चीज़ कोई ऐसी चीज जो आप चाहेंगे कि मैं करूँ ताकि हमारा रिश्ता बेहतर हो सके समथिंग यू डू विश आई डू सो वी कैन हैव अ बेटर रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है कि स्पेंड मोर टाइम विथ मी मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करें या मुझे स्पेस ज्यादा दिया करें ये भी हो सकता है टीन एजरें ऑब्वियसली या आप मुझे ट्रस्ट किया करें अब आप उसमें वो कहेगा कि मुझे लगता है आपने मुझे ट्रस्ट करना छोड़ दिया अब उसमें आपने ये नहीं कहना कि हाँ तो फिर ट्रस्ट कैसे करती है तुमने ये किया तुमने वो किया अभी ये वाली जो पहली मीटिंग है उसमें आपने यही बताना है कि उससे पूछना है कि अच्छा क्या क्या क्या, क्या उसकी शिकायत है नेक्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि अच्छा मैंने भी आपसे फिर कुछ पूछना है या मेरे भी जहन में कोई बात आती है जिसकी वजह से शायद मैंने कुछ ऐसा किया तो डू यू थिंक यूड लाइक टू हेयर दैट आपको लगता है कि आप सुनना पसंद करेंगे वो तो मुझे भाई हम दोबारा से बैठते हैं इस पर हम उस पर बात कर लेते हैं उस वक्त भी अगर वो कहे कि आपने ऐसे क्यों किया तो उस वक्त आप जवाब दे दें लेकिन आप अपना ओपिनियन इम्पोज ना कीजिएगा तो आखिरी चीज़ जब आप पूछेंगे कि कोई चीज जो मुझे अब करनी शुरू करनी चाहिए ताकि हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो तो उसमें भी उसको टाइम थोड़ा सा लग सकता है जवाब देने में बट दैट विल गिव टू स्टार्ट विद कोई समथिंग जिसमें आप उसको पहले के अपोलोजाइज करें आपने उसको हर जिस चीज़ जिन चीज़ों पे किया जो अच्छे मोमेंट्स थे उनको रिलीव करने की कोशिश करें उसको दोबारा से करने की कोशिश करें मतलब आप अप, आपके अप, जो टाइम में पॉसिबल है उसके हिसाब से और आखिरी चीज के अब मुझे क्या करना चाहिए तो आप उन पे काम जब करना शुरू करेंगे तो उसका भी आप पे ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाएगा बॉन्डिंग है ट्रस्ट ही है तो आपका आप पे ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि नहीं मामा पापा देर दे ट्राइंग वो उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया तो वो ट्रस्ट जब बिल्ड होने लगेगा तो आपको नजर आएगा कि बॉन्डिंग जो है वो बेहतर होना शुरू होगी सो so, ये मुझे लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन है जो बहुत जरूरी है बच्चों के साथ करनी टीन के साथ या टेन प्लस के साथ ताकि आप अपना जो रिलेशनशिप उसको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें बट यू नीड टू नो दिस थ्री थिंग्स बिफोर यू टेक दैट स्टेप पहले अपोलोजाइज आपने कर लिया और उसके बाद आपने ये सवाल पूछ लिया टाइम दे उनको थोड़ा सा जब जवाब आप मांगना चाहते हैं तो ऑगेस्ट इट विल टेक टाइम के वो सोचें इस चीज़ के बारे में हो सकता है आपका रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका कि वो शायद अभी जवाब भी देख देना भी ना नापसंद करें एट दैट मोमेंट अगर इतना खराब हो चुका हुआ तो सिर्फ आप पहले सवाल पे ही घंटा गुजारते हो तो दैट्स फाइन जिसमें आप बताते रहें कि अच्छा कौन सा टाइम था और उसको अपोलोजाइज करें जो गलतियाँ हैं उसके लिए और उनसे भी पूछें कि कौन से अच्छे टाइम पे ताकि उसके हिसाब से वो आपको जब जवाब देंगे तो एटलीस्ट थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग होने लग जाएगी आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ फैमिलीज क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से बहुत दूर हैं और उनकी आपस में बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है तो दैट इज़ वेरी वरीसम और बहुत परेशानी होती है देख के भी कि अगर अभी से इतना ज़्यादा दूरी है तो बाद में जाके रिलेशनशिप कहाँ पहुँचेगा तो आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ फैमिलीज इंशाल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू